टुडे आवर लेसन इज स्पाइडर्स लेसन। स्पाइडर कौन होता है? मकड़ी। मकड़ी का ये जाला बनाते हैं ना, तो स्टोरी इसी के बारे में है। अब हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं, भैया क्या लेसन मिलता है। रॉबर्ट ब्रूस वॉज अ प्रिंस। रॉबर्ट ब्रूस जो था वो प्रिंस था। प्रिंस कौन होता है? किंग का सन, राजा का बेटा। He wanted to do a lot of good for the people of his country. अब वो जो रॉबर्ट ब्रूस था वो बहुत कुछ करना चाहता था for the good of the people, लोगों की अच्छाई के लिए, ठीक है, लोगों के भले के लिए। जो उसकी कंट्री थी ना, जहां का वो प्रिंस था, वहां के लोगों के लिए वो बहुत कुछ अच्छा करना चाहता था। However, the kings of the neighbor country took away his kingdom and sent him out of his country. लेकिन हुआ क्या, जो किंग था ना नेबरिंग कंट्री का, जो उसकी साथ की कंट्री थी, पड़ोसी कंट्री। अब जैसे हम लोग इंडिया हैं, हमारे पास क्या है, हमारी नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है? चाइना, पाकिस्तान, नेपाल। ऐसे ही उसकी जो नेबरिंग कंट्री का किंग था ना, उसने उसकी कंट्री को हथिया लिया, टुक अवे, ठीक है, उस पर अपना कब्जा जमा लिया उसके किंगडम पे, और रॉबर्ट ब्रूस को उसके किंगडम से, उसकी कंट्री से बाहर निकाल दिया। रॉबर्ट ब्रूस ट्राइड टू गैदर एन आर्मी एंड फाइट अगेंस्ट द किंग हु टुक अवे हिज थ्रोन। अब रॉबर्ट ब्रूस ने क्या किया, उसने कोशिश की आर्मी को बनाने की, क्योंकि जो राजा है, जब एक राजा एक किंग दूसरे किंग से लड़ता है तो उसे आर्मी की जरूरत होती है ना। आज भी हमारे पास आर्मी है, तो उसने भी कोशिश किया कि वो बहुत बड़ी आर्मी बनाए, आर्मी को इकट्ठा किया और फाइट अगेंस्ट द किंग, और उसके खिलाफ लड़े। हु टुक अवे हिज थ्रोन, जिसने उसका सिंहासन, थ्रोन मतलब होता है सिंहासन, यानी राजा की गद्दी जो उससे छीन ली नेबरिंग राजा ने। तो उसने कोशिश की रॉबर्ट ब्रूस ने कि वो एक आर्मी बनाए और उस राजा से लड़े। ही ट्राइड सिक्स टाइम, और ऐसा उसने 6 बार किया। 6 बार वो अपने नेबरिंग राजा, जिसने उसकी कंट्री हथिया ली थी, उससे वो लड़ा, लेकिन फेल्ड, को कामयाब नहीं हुआ, सक्सेस उसे नहीं मिली, वो फेल हो गया। नाउ ही लिव्ड इन हिज हट, इन अ हट आउटसाइड द किंगडम, और उस किंगडम से बाहर एक हट में अब वो रहने लगा, रॉबर्ट ब्रूस रहने लगा। वन डे ही वॉज लाइंग ऑन हिज बेड, एक दिन वो अपने बेड पे लेटा हुआ था, लाइंग मतलब लेटा हुआ। ही कुड नॉट स्लीप, उसको नींद नहीं आ रही थी। हिज आईज वर ओपन, उसकी आंखें खुली हुई थी। ही स्टेयर्ड एट द सीलिंग ऑफ अ फॉर अ लॉन्ग टाइम। सीलिंग होता है छत, रूफ, ठीक है, तो वो उसको ना देखने लगा, बहुत देर तक वो उसे देखता रहा। स्टेयर्ड मतलब होता है देखना या घूरना, तो वो बहुत देर तक उसे देखता रहा। देन हिज आईज फेल ऑन अ स्मॉल स्पाइडर, और तब उसे अचानक से एक छोटा सा स्पाइडर दिखा। और वैसे इस लाइन की हिंदी है कि उसकी आंख अचानक से एक स्मॉल स्पाइडर पर पड़ी। द स्पाइडर वॉज हैंगिंग बाय अ सिल्वरी थ्रेड फ्रॉम अ लॉग ऑफ वुड। लॉग ऑफ वुड मतलब होता है लकड़ी का टुकड़ा, देखो ये रहा, ये है ना लॉग ऑफ वुड। लॉग ऑफ वुड से यहाँ पे ऐसे वो एक सिल्वरी थ्रेड से लटक रहा था। इट वॉज ट्राइंग टू स्विंग टू अनदर बीम ऑफ वुड। अब वो इस थ्रेड से कोशिश कर रहा था, जैसे झूला झूल के, तुमने मंकी भी देखा है ना, बंदर में ब्रांचेस को पकड़ते हैं और एक ट्री से दूसरे ट्री पे छलांग मार देते हैं, ऐसे ही वो स्पाइडर जो है वो इस थ्रेड से छलांग मार के दूसरे लॉक पे जाना चाहता था, दूसरे लॉक पे जाना चाहता था। ईच टाइम इट ट्राइड टू डू दैट इट फेल बैक अगेन। हर बार वो ऐसा कर सकता लेकिन गिर जाता था दोबारा से। रॉबर्ट वॉज इंटरेस्टेड इन द स्पाइडर्स एक्शन, लेकिन अब उसको, रॉबर्ट को उसको स्पाइडर को देखने में बड़ा मजा आ रहा था कि ये बार बार क्या कर रहा है। ही वॉन्टेड टू सी हाउ लॉन्ग इट वुड कंटिन्यू टू ट्राई। अब रॉबर्ट जो था वो ये देखना चाहता था कि देखता हूँ कितनी बार ये कोशिश करता है। हमारी भी नजर पड़ती है ना, हम कहते देखते हैं कितनी कोशिश में ये अपना काम कर पाता है। वुड इट गिव अप एंड फॉल डाउन, तो उसने सोचा क्या वो ये कोशिश छोड़ देगा और गिर जाएगा।
द स्पाइडर ट्राइड 6 times विदाउट सक्सेस। अब स्पाइडर भी जो है वो 6 times फेल हो गया, जैसे रॉबर्ट ब्रूस फेल हुआ था। देन इट ट्राइड वंस अगेन, फिर उसने एक बार और कोशिश की। रॉबर्ट वॉज श्योर दैट इट वुड फॉल अगेन, रॉबर्ट को पक्का पता था कि इस बार तो ये जरूर गिरेगा। व्हाट अ सरप्राइज, क्या हैरानी वाली बात थी। स्पाइडर गॉट टू ऑन टू द बीम विद हिज थ्रेड, लेकिन क्या था अब स्पाइडर जो था उसको वो बीम मिल गई थी अपने थ्रेड के साथ। दैट वॉज द फर्स्ट थ्रेड ऑफ हिज वेब, और वो उसके वेब का पहला थ्रेड था। मकली का जाला जो बुनते हैं ना, पहला थ्रेड था। देन इट वेंट ऑन टू मेक अ बिग वेब फॉर इटसेल्फ, और उसके बाद उसने पूरा अपना वेब बना लिया। वो एक्चुअली इस बीम पे जाके अपना वेब बुन रहा था, और जिसमें वो सफल रहा, उसे सक्सेस मिली। रॉबर्ट नाउ लर्नड हिज लेसन फ्रॉम द स्पाइडर, अब रॉबर्ट को उस स्पाइडर से शिक्षा मिली, लेसन मिला। क्या? ही रोज फ्रॉम हिज बेड, वो अपने बेड से खड़ा हुआ। स्टार्टेड आउट विद न्यू एनर्जी, नई एनर्जी के साथ उसने शुरू किया। ही गैदर्ड हिज फॉलोअर्स मतलब उसके साथ देने वाले, उन सबको उसने इकट्ठा किया। स्पोक टू देम विद अबाउट बीइंग ब्रेव, अब उनसे उसने बात की, उनको इनकरेज किया कि तुम ब्रेव बनो एंड नॉट गिविंग अप ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम, अगर टाइम मुश्किल भी है तो उसमें अपनी हिम्मत मत छोड़ो। कोई भी काम अगर आप बार बार फेल होते हो तो उसकी बार बार कोशिश करो, उसको गिव अप मत करो। ही फॉट अगेंस्ट द एनिमी किंग, वो एनिमी किंग के खिलाफ लड़ा। एंड गॉट बैक हिज लॉस्ट किंगडम, और अपने उस किंगडम को उसने वापस पा लिया। अब वो हताश होके बैठ गया था ना कि मैं तो जीत ही नहीं सकता। स्पाइडर से उसको इंस्पिरेशन मिली और उस वो भी अपना किंगडम उससे उसको वापस मिल गया। द स्पाइडर टॉट हिम अ लेसन, स्पाइडर ने उसे लेसन सिखाया। क्या सिखाया? ट्राई अगेन अंटिल यू सक्सीड, यानी जब तक आप सक्सेस नहीं होते, जब तक के आपको सफलता नहीं मिलती, तब तक कोशिश करते रहो। डजंट मैटर आप जितनी बार भी फेल होते हो, दोबारा से कोशिश करो।